हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एके स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे ड्यू सोल प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का चैप्टर 5 का पार्ट 4। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड कर चुकी हूँ। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको पढ़ें, देन इसको पढ़ेंगे, आपको इजीली समझ आएगा। उस टॉपिक में मैंने जैन धर्म बौद्ध धर्म कम्प्लीट कराया है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4, चैप्टर 5 का पार्ट 4, आरंभिक राज्यों एवं नगरों का उदय। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। लेट्स गेट स्टार्ट। प्रादेशिक राज्यों का उदय। ईसा पूर्व 6 सदी में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के व्यापक प्रयोग से बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त परिस्थिति बन गई। लोहे के हथियारों के इस्तेमाल के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करने लगे। खेती के नए औजारों और उपकरणों से सहायता से उपज बढ़ गई थी। ईसा पूर्व 6 शताब्दी से पूर्व उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के व्यापक प्रयोग से बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों की उत्पत्ति के कारण उपयुक्त परिस्थिति बन गई। लोहे के हथियारों के इस्तेमाल के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करने लगे। खेती के नए औजारों और उपकरणों की सहायता से उपज बढ़ गई थी। अनाज अत्यधिक होने के कारण सेना और नए राज्य तक भी पहुंचाया जा सकता था। अनाज अत्यधिक होने के कारण सेना और नए राज्यों तक भी पहुंचाया जा सकता था। इन भौतिक लाभों के कारण किसान अपनी भूमि पर ही रहना चाहते थे और कोई बदलाव स्वीकार करना नहीं चाहता था और किसान कोई भी बदलाव स्वीकार करने नहीं चाहता था। इस प्रकार क्षेत्रीय भावना का उदय हुआ और इसी प्रकार क्षेत्रीय भावना का उदय हुआ और फलस्वरूप कई राज्यों और उनकी गतिविधि केंद्र के तौर पर अनेक नगरों की स्थापना हुई। जन समूह या कबीलों में रहने वाले लोगों को अब अपने जनपद या स्वबंध भूभाग से लगाव होने लगा। इस प्रकार 6 सदी ईसा पूर्व में देश के विभिन्न भागों में कई प्रादेशिक राज्यों का उदय हुआ और इस प्रकार ही क्षेत्रीय भावना का उदय हुआ और फलस्वरूप कई राज्यों और उनकी गतिविधियों केंद्र के तौर पर अनेक नगरों की स्थापना हुई और जन समूह या कबीलों में रहने वाले लोगों को अब अपने जनपद या स्वसंबंध भूभाग में से लगाव होने लगा था। इस प्रकार 6 सदी ईसा पूर्व में देश के विभिन्न भागों में कई प्रादेशिक राज्यों का उदय हुआ और इसी प्रकार ईसा की 6 शताब्दी ईसा पूर्व में देश के विभिन्न भागों में कई प्रादेशिक राज्यों का उदय हुआ जिसने तत्कालीन राजनीतिक जीवन को नया स्वरूप प्रदान किया। नेक्स्ट टॉपिक इज भौतिक स्थिति। समकालीन साहित्य में महाजनपद, जनपद नगर निगम, ग्राम आदि बस्तियों का उल्लेख है। समकालीन साहित्य में महाजनपद, नगर निगम, ग्राम आदि बस्तियों का उल्लेख है। जनपद अर्थात जहां लोग अपने पांव रख सकें या जमा सकें। जनपद अर्थात जहां लोग अपने पांव रख सकें या जमा सकें। वैदिक काल में जन के सदस्य पशुओं के लिए हरी भरी जगह ढूंढते थे परंतु उत्तर वैदिक काल में जब मनुष्य जन ने खेती बाड़ी आरंभ कर दी थी, वे स्थायी रूप से एक स्थान पर रहने लगे थे। ये कृषि प्रधान स्थान जनपद कहलाए पारंपरिक साहित्य के अनुसार 16 महाजनपद बड़े क्षेत्रगत राज्य थे और इसी यही कृषि प्रधान स्थान जनपद कहलाए और पारंपरिक साहित्य के अनुसार 16 महाजनपद बड़े क्षेत्रगत राज्य थे और प्रत्येक राज्य के अंदर अनेक कृषि बस्तियां या जनपद मौजूद थे। प्रारंभ में इन बस्तियों का नामकरण उस क्षेत्र में बसे प्रमुख क्षत्रिय वंश के नाम पर किया गया और प्रारंभ में इन बस्तियों का नामकरण उस क्षेत्र में बसे प्रमुख क्षत्रिय वंश के नाम पर किया गया। दिल्ली और ऊपरी उत्तर प्रदेश स्थिति कुरु और पंचाल इसके प्रमुख उदाहरण हैं।
दिल्ली के ऊपरी सतह उस पर उत्तर प्रदेश स्थित कुरु और पंचाल इसके प्रमुख उदाहरण हैं। फल के उपयोग और लोहा उपकरणों की खोज के साथ लोगों ने एक जगह बसकर खेती करने का फैसला किया। किसान अब लोहा के औजारों का प्रयोग करते थे। किसान जो थे अब लोहे के औजारों का प्रयोग करते थे। करते हुए जंगल को साफ कर उसी कृषि योग्य भूमि बना सकने में सक्षम थे। और किसान जो थे वे लोहे के औजारों का प्रयोग करते हुए जंगल को साफ कर उसे कृषि योग्य भूमि बना सकने में सक्षम थे। मध्य गंगा घाटी विशेषकर इलाहाबाद को धान की खेती के लिए उपयुक्त जगह माना जाने लगा। और मगध गंगा घाटी विशेषकर इलाहाबाद को धान की खेती के लिए उपयुक्त जगह माने जाने लगा। कृषि का विस्तार जनसंख्या में बढ़ोतरी का कारण बना अब कृषि अधिशेष उपलब्ध हो पा रहा था। पशुधन की महत्ता घट गई थी वस्तुतः विनिमय प्रणाली की जगह मुद्रा प्रणाली ने ले ली थी इसने वंश अर्थात जन समूह के प्रमुख को एक दूसरे के साथ निरंतर युद्ध की स्थिति में ला खड़ा किया और इसने वंश अर्थात जन समूह के प्रमुख को एक दूसरे के साथ निरंतर युद्ध के लिए स्थिति में ला खड़ा किया। युद्ध या तो अपना पराक्रम दिखाने या अपनी वित्तीय शक्ति को प्रबल बताने का माध्यम बन गया कृषि विस्तार युद्ध एवं विजय की प्रक्रिया में वैदिक जनजातियों और गैर वैदिक जनजातियों परस्पर निकट आए और कृषि जो थी वह कृषि विस्तार युद्ध एवं विजय की प्रक्रिया में वैदिक जनजातियों और गैर वैदिक जनजातियों परस्पर निकट आए और उनमें घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ वास्तव में ये बड़े प्रादेशिक इकाइयों के गठन का कारण बना उदाहरण के लिए पंचाल पांच जनजातियों के मिलाप का प्रतिनिधित्व था क्षत्रिय समूह का सरदार राजन अर्थात राजा कहलाया, जिन्होंने जनपद और महाजनपद पर शासन किया विभिन्न नगरों के निर्माण में नए सामाजिक संगठन विभिन्न व्यवसायों को अपना रहे थे और समाज के प्रत्येक वर्ग में भिन्न भिन्न व्यवसायों को अपनाने के लिए अनेक नगरों का उत्थान हुआ। शहरी और ग्रामीण केंद्रों में अंतर स्थापित हुआ। कृषि उत्पादन में व्यस्त व्यक्ति को अपने उत्पादन की बढ़ोतरी से नगरों के व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी। दूसरी ओर नगर में बसने वाले लोग गांवों से उत्पादन प्राप्त कर अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते थे और बदले में किसानों को खेती बाड़ी के लिए नए उपकरणों आदि से प्रोत्साहित करते थे। प्रणाली कर आरंभ हो गई और ग्रामीण लोगों को शहरी निवासियों के बीच आदान प्रदान से सुविधा पहुंचाने के लिए कुछ लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये लोग सेठी के रूप में उभरे, जो न केवल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाने लगे बल्कि बड़े जमींदार भी समझे गए। इस समय में विभिन्न धातुओं से बने सिक्के भी व्यवसाय में सहायक सिद्ध हुए। इन सब कारणों से नगर और ग्राम में ताल में मेल बढ़ता गया और ये लोग सेठी के रूप में उभरे, जो ना केवल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाने लगे बल्कि बड़े जमींदार भी समझे गए। इस समय में विभिन्न धातुओं से बने सिक्के भी व्यवसाय में सहायक सिद्ध हुए इन सब कारणों से नगर और ग्राम में तालमेल बढ़ता गया। आई होप फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना
ना भूलें साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। और मुझे कमेंट में बताना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।